दोस्तों, इस वीडियो में आपको माइक बनाना सिखाऊंगा। वैसे माइक को लेकर YouTube पर बहुत सारे वीडियो पहले से अवेलेबल हैं। मुझे YouTube पर दो तरह के वीडियोस मिले। जो पहला वीडियो था उसमें ये कह रहा था कि आप अपने स्मार्टफोन से ही हाई क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे स्मार्टफोन होता है वो वॉइस तो रिकॉर्ड करता है, साथ ही जो सराउंडिंग की नॉइज़ है उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो जो नॉइज़ है आप उसको अगर कम करते हैं तो जो साथ की वॉइस है वो भी आप उसको ख़राब कर देंगे, तो उससे आपको हाई क्वालिटी की वॉइस नहीं मिलने वाली। और मुझे दूसरा वीडियो मिला, उसमें ये कह रहा था कि आप अपने ईयरफोन के माइक्रोफोन से ही हाई क्वालिटी का माइक बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोफोन हमारे ईयरफोन में यूज होता है वही माइक्रोफोन हमारे स्मार्टफोन में भी यूज होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि स्मार्टफोन से जिस क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड होगी वही ईयरफोन से भी रिकॉर्ड होगी। तो दोस्तों, इस तरह वीडियो में आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको माइक बनाना है तो इसके लिए आपको एक अलग माइक्रोफोन खरीदना होगा जिसकी कॉस्ट 9 रुपीज़ है। मैं इस वीडियो में जो माइक यूज़ करूँगा वो इससे बनाऊँगा मैं। दोस्तों, इसके अलावा मुझे जो ज़रूरत होगी वो ईयरफोन जैक है। और दोस्तों, जो मैं यहाँ पर माइक यूज़ कर रहा हूँ वो आपको ऐसे शॉप में मिलेगा जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग के सामान इजीली अवेलेबल होते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं दो तरह से माइक बनाना सिखाऊंगा। पहला ये है कि आप इस जो ऊपर के कवर देख रहे हैं इसको ब्लेड से काट के हटाने के बाद इस जैक में स्मॉल माइक्रोफोन ही बना सकते हैं। और जो मैं दूसरा बनाऊंगा उसमें ये रहेगा कि आपको इसे काटने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग इसके वायर में ही इसको अटैच कर देंगे तो ये हमारा माइक बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस ईयरफोन जैक का यूज़ करेंगे। इसमें मेटल की 4 लेयर्स हैं। ऊपर की जो पहली लेयर है वो ईयरफोन के लेफ्ट स्पीकर की है, सेकंड लेयर राइट स्पीकर की है, यहाँ पर थर्ड वाला वायर कॉमन है, और जो फोर्थ है वो माइक्रोफोन के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग ईयरफोन के माइक्रोफोन को भी देख लेते हैं। देख लीजिए कि ये दिखने में कैसा होता है और साइज में भी कितना है। तो आप इसकी कंपैरिजन खुद ही कर पा रहे होंगे। जिस माइक को मैं यूज़ यहाँ पर करूँगा उसका साइज़ भी आप नोट कर लीजिए। वॉइस की क्वालिटी के लिए माइक्रोफोन का साइज़ भी डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर एक ईयरफोन का यूज़ करूँगा। इसमें आप देखिए कि एक माइक्रोफोन पहले से ही लगा हुआ है। ये माइक्रोफोन हमारे किसी काम का नहीं है। जो यहाँ पर एक स्विच है इससे दो वायर कनेक्ट हैं। दोस्तों, इसे तोड़कर अलग कर लीजिए। और ये जो दो वायर आप तोड़ रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, हमें माइक्रोफोन इसी से जोड़ना है। और जो दो वायर के अलावा जितने भी वायर्स हैं इसको आप काट कर अलग कर दीजिए। और जो साथ पे स्विच है इसको भी आप अलग कर दीजिए। जो दो वायर स्विच से अटैच थे मैं उसको ब्लेड से शार्प कर ले रहा हूँ। आप इसको आग में दिखाकर भी शार्प कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ये स्विच से दो वायर अटैच थे केवल आपको उन्हीं का यूज़ करना है और आपको कोई भी वायर टच नहीं करना है। जितने बचे हुए वायर्स हैं सबको आप काट कर अलग कर दीजिए। इसके बाद आप माइक्रोफोन के रेड वायर को ईयरफोन के रेड वायर से अटैच कर दीजिए और जो बचा हुआ वायर है उसको दूसरे वायर से। ये वायर को लपेटने के बाद आप इसके ऊपर सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। यार, अगर हमें कोई अच्छी क्वालिटी की वॉइस चाहिए तो हमको इसके लिए एक अच्छा माइक्रोफोन भी यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से माइक्रोफोन परचेज़ किया है जिसकी कॉस्ट 9 रुपये है। वायर्स को जोड़ने के बाद आप इसके ऊपर टेप लगा दीजिए ताकि ये आपस में टच ना हो। अगर इस माइक को आप स्पीकर के पास रखेंगे तो ये आपको अच्छी क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड करके देगा। अब आपको मैं फ़ोन में यूज़ होने वाले माइक्रोफोन और जो मैंने माइक्रोफोन यूज़ किया है
इन दोनों में डिफरेंस दिखा दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर ईयरफोन के जैक को माइक्रोफोन से जोड़ लिया है। आप इसका कनेक्शन देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर हमारा माइक्रोफोन का रेड वाला वायर है वो पॉजिटिव है और जो वाइट वायर है वो निगेटिव है। तो दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए आपको इसकी पोलैरिटी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो देखिए, मैं इसको अपने फ़ोन में लगा के दिखाते रहूँ आपको। ये आसानी से लग भी जा रहा है और निकल भी जा रहा है। आप माइक्रोफोन के वायर की लेंथ को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।